वैदिक गुरुकुल के बच्चे हैं, आपके साथ शुरुआत करते हैं, पूरे लगन मगन के साथ शुरू हो जाइए। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यैः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यान् धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः सहस्रशीरसं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वं नारायणं देवं अक्षरम्।
को भी सुना राजकुमार शास्त्री जी को, उसके बाद आपने शंकर साहनी जी के धुन को सुना, लेकिन अब शंकर जी बोल बदलने पड़ेंगे। आ रहे नहीं, अब आ गए। अब तक हम लोग गाते थे राम आएंगे, लेकिन अब राम पहुंच चुके हैं। अमित दुल जी ने लेकिन सदा वाली बात कह दी कि राम हमारे थे, राम है, राम रहेंगे। और भक्तों के लिए आप सोचिए, देशवासियों के लिए आज कितना बड़ा दिन है। आज अयोध्या से आ रही तस्वीरें सबको खुश भी कर रही है, एक हर्ष भी दे रही है, लेकिन अनेकों लोग हैं जिनके लिए बहुत भावुक पल है, जो आज ये समझ पा रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आज उनके मंदिर में होने वाली है। तो राम भक्तों के लिए घड़ी कितनी अनूठी है। सोचिए कि जिसकी 5 सदी से लड़ाई चली, जब पहली बार 1939 में वहां 49 में वहां पर मूर्तियां पाई गई, उसके बाद से ही एक संघर्ष चला है कि कैसे प्रभु राम को कम से कम एक चबूतरे पर रखा जाए, उनकी पूजा हो सके, ताला लग गया, ताला खुलवाया जाए। वहां से फिर आगे की पूरी प्रक्रिया चली, अदालतों में चला मामले, 90 का आंदोलन हुआ, 92 में जो विवादित ढांचा है वो गिरा, लेकिन उसके बाद भी कानूनी रूप से ये जंग लड़ी गई और आज बहुत बड़ी जीत है ये भारत की सभ्यता के लिए। और आज पूरा देश हर्ष और उल्लास में विभोर है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां पर होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा। अब आपको बता दें, जिन मंदिर की सीढ़ियों को आप देख रहे हैं, यहीं से एक तरह से आप समझ सकते हैं आगमन होगा उन तमाम अतिथियों का जो आज इस पावन अवसर में वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। गर्भगृह में आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वहां पर राज्यपाल भी रहेंगी उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वहां पर पहुंच चुके हैं, आप उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ वहां पर गर्भगृह में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगभग 80 से 90 सेकंड का बताया जा रहा है, क्योंकि प्रभु राम की वो 51 इंच की 5 वर्ष वाली श्याम वर्ण की मूर्ति तो गर्भगृह में स्थापित हो चुकी है, बस अब उनकी आंखों से वो पट्टी हटनी है। बताया गया है कि उनको पहले आईना दिखाया जाएगा, क्योंकि जो तेज उन आंखों में होता है उससे माना जाता है कि बहुत ज्यादा तेज है, और सिर्फ प्रभु राम ही उसको, उस तेज को झेल सकते हैं या उसको उसका वो सामना कर सकते हैं। इसीलिए वो मूर्ति हटाते ही जब पट्टी हटेगी, एक आईना रखा जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आंखों में काजल लगाएंगे, वो भी बताया जा रहा है। स्वर्ण से होगा, स्वर्ण के एक सिक्के से किया जाएगा, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म होगा, प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी होने वाला है, फिर जो लोग वहां पर पहुंचे उन सबको वहां पर दर्शन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन बहुत सारे खास मेहमान जो आज दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, इस पावन घड़ी में वहां पर मौजूद रहेंगे, उन सबकी प्रतिक्रिया आ रही है। आइए आपको कुछ ऐसे ही लोग जो पहुंचे हैं अतिथि बनकर, उनकी बात सुना दें। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएं। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ, और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। नमस्कार। तो मंदिर सजकर तैयार है फूल मालाओं के साथ, जय श्री राम का संदेश है। और आज लोग मिलकर भी एक दूसरे को नमस्ते नहीं, जय श्री राम।
क्योंकि अब तो राम लगभग आ गए हैं, कुछ क्षणों के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी मैं वही सोच रही थी आज बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। और वाकई मुझे बोल बदलने पड़ेंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं।